और कर बॉल फिर से उड़ाती भाई, लगता है हम लोग रिप्ले चलाती इस बॉल के अंदर भाई। फिर से और सिर्फ दो रन चाहिए, छह तो मारती और दो रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। गाइस रेडी फॉर द फाइनल मैच, और सिर्फ एक रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। फिर से यहाँ पे और कर डाल रहे, पर यहाँ पे सींगे ही लेंगे भाई। इस बॉल को मारना बहुत ही मुश्किल होता है। गाइस आप लोग जा चुके हैं फाइनल के अंदर, हम लोग पहली बार बैंगलोर लेके भाई इस गेम के अंदर जा चुके हैं फाइनल के अंदर। खंबा दारू दारू, इतना बड़ा मैच है तो थोड़ा तो एनर्जी चाहिए। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। बात तो सही है, हम लोग थोड़ा एनर्जी ड्रिंक पी लिया, बहुत दिन की बात पिया। गाइस सब लोगों को स्वागत है एक ब्रांड न्यू फाइनल मैच के अंदर, और पहली बार हम लोग फाइनल मैच खेलने जा रहे हैं, वो भी रियल क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर, आरसीपीएल ऑक्शन टूर्नामेंट के अंदर। आज हमारा मैच है बेंगलोर वर्सेस राजस्थान का फाइनल मैच। आई आई, और देर ना करके आज फटाफट से टीम देख लो टीम क्या है, क्योंकि आज कोई भी प्लेयर इंजुरी नहीं है, सब कुछ पता लगा लिया। मतलब ओपोनेंट की जो टीम है उसके अंदर भी कोई प्लेयर इंजुरी नहीं है, और हमारे बेंगलोर की टीम के अंदर कोई भी प्लेयर इंजुर्ड नहीं है। तो देखते हैं भाई आज टीम के अंदर कौन कौन खेलने वाली है, क्योंकि फाइनल एंड लास्ट मैच। देखते हैं भाई आज जो जीतेगा ट्रॉफी उसके अंदर जाएगा। देखते हैं गाइस क्या पहला ट्रॉफी हमारे पास आता है आरसीपीएल का। और देर ना करके चलो भाई सीधा मैच के अंदर। कर दी भाई मैच शुरू होते ना होते पे गड़बड़ कर दी, कर दी यहाँ पे ग्रीन पिच। एक्चुअली ग्रीन पिच मेरे फेवर में आता है, पर मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। देखते आज मैच के अंदर ये पिच कितना हमारा साथ देती है। चलो टॉस टाइम, संजू सैमसंग वर्सेस हमारे विराट कोहली। आज लेंगे हम लोग हेड्स, देखते हेड्स के अंदर क्या हम टॉस जीत पाएंगे। बच्चे के दिल में फाइनल के अंदर टॉस जीत गए, ऑब्वियसली लेंगे हम आज बॉलिंग। देखते हैं आज बॉलिंग के अंदर कितना अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हम लोग का टीम। अभी हमारे राजस्थान का टीम देख लो, राजस्थान की टीम एकदम बहुत ही जबरदस्त बैटिंग लाइनअप के साथ यहाँ पे। और अभी हमारा टीम देखो यहाँ पे शाकिब अल हसन वापस कर चुके हैं, एकदम पुराना टीम ओपी। आज बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाली है। इस मैच का मजा उठने से पहले आप लोग पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे ठोक लो, क्योंकि हम लोग 40K के बहुत पास है गाइस। तो कर दो फटाफट से, और फोन को कर लो रोटेट, क्योंकि इस मैच का मजा हर पल पल पे है। अभी सब लोग मैदान के अंदर आ चुके हैं। अभी एबी लुइसन, लियाम लिविंगस्टोन, लियाम लिविंगस्टोन ओपन कर रहे भाई। रुको रुको रुको, हम लोग जो दो मैच खेले थे भाई इसके साथ में राजस्थान के साथ, पर लियाम लिविंगस्टोन ओपन नहीं करता भाई, कोई और ओपन करता था। लगता है चेंजेस किया भाई, मानना पड़ेगा। यार कोई बात नहीं, 144 का स्ट्राइक रेट हमारे एबी लुइसन जी, मतलब एबी लुइस जी। तभी और एज यूजुअल हमारे रावाडाई बोलिंग करेंगे पहला ओवर। देखते भाई आज क्या पहला ओवर के अंदर पहले बॉल के विकेट ले पाएंगे, क्योंकि एबी लुइस हर बार यहाँ पे पहले बॉल के विकेट ले जाता था, मतलब विकेट दे देता था। देखते हैं सामने एबी लुइस, सामने राबूडो, यहाँ पे यॉर्कर बॉल, और खेला बॉल सही, और पहले बॉल के अंदर 4 रन मिलेगा भाई साहब। क्या बात है, शुरुआत बहुत ही अच्छा किया भाई। ये तो मेरा ही सिग्नेचर शॉट चुअली भाई, पहले बॉल के अंदर 4 रन। फाइनल चल रहे हैं पे, देख के अच्छा लग रहा है पे शुरुआत। गाइस ओ विकेट, बॉल को विकेट मिल गया भाई, चिकन इलेवन और नॉट आउट है। अरे भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है भाई, पूरा विकेट टू विकेट बॉल जा रहा है यहाँ पे। हम लोग चैलेंज करेंगे, चलो यस विराट कोहली और अंपायर साइन आउट यहाँ पे, अंपायर के डोंट साइन आउट यहाँ पे। देखते हैं कौन आउट हुआ है कौन आउट नहीं यहाँ पे। अंपायर को गेट आउट, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को बड़ा सारा विकेट। आउट, नो बॉल नहीं डाला भाई, नो बॉल हम लोग डाला नहीं यहाँ पे। आई थिंक आउट है, आई थिंक विकेट टच कर रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओरिजिनल रूल तो नॉट आउट है, चलो ठीक है ग्रीन है, पर मुझे दिखा नहीं है आउटसाइड लेग, ठीक है। पर इम्पैक्ट गया, इम्पैक्ट ने लिटरली मेरा दिमाग ही खराब कर दिया साला, इम्पैक्ट ने छी 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 छी। रिव्यू लॉस्ट भाई, पहला रिव्यू हम लोगों ने गवा दिया। अगर इम्पैक्ट हमारे साथ होता तो गारंटी हमारे विकेट मिलते हैं मैच के दिन में। अभी स्ट्राइक पे आ चुकी है लियाम लियाम लिविंगस्टोन, मतलब अरे नाम क्या था भूल गया भाई, लिम लिम सॉरी। अरे कहना क्या चाहते हो, लियाम लिविंगस्टोन और लियाम 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 लिविंगस्टोन यहाँ पे। देखते हैं आज कितना अच्छा खासा बल्लेबाजी कर सकते हैं, खेला बहुत ही। ओ भाई साहब ये बॉल से हम लोगों ने डाला था बहुत ही अच्छा खासा, पर खेल दिया पे। आज क्या हो रहा है भाई, राजस्थान इतना अच्छा खेल रहे, पहले ओवर से पे थोड़ा है हम लोग को भाई, पर खेल बहुत ही अच्छा है, मानना पड़ेगा राजस्थान। राजस्थान अच्छा खेल रहा है, मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ भाई। आज ही बदल लिया साला, अच्छा बॉलिंग कर रहा होगा, मेरे आंखों में आंसू आ गए भाई, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई। हम लोग ऑफसाइड के तो बोलिंग किया, विल भी मार दिया पे, भाग रहे भाई, दो बॉल में दो चौके। अब तो मेरे दिल में दर्द हो रहा है भाई, लिटरली दिल में कहां मारूं भाई। अब तो क्या चेजिंग करना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होगी। अभी बॉलर चेंज करके हम लोगों ने लिया भाई इन स्विंग किंगर को। देखते भाई स्विंगिंग किंगर भुवनेश्वर कुमार कितना अच्छा बॉलिंग करता है, पर हमारा एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग हमेशा रिवर्स स्विंग बॉल डालते हैं पे, क्योंकि पिच भाई ग्रीन पिच और ग्रीन पिच के अंदर रिवर्स स्विंग मुझे अच्छा खासा मुझे पता है कहां डालना और कैसे डालना होता है। फिर भी पहले ओवर के अंदर 14 झड़ी। गाइस ये बॉल करेंगे हम लोग बाहर की तरफ, विकेट से बॉल को जाएंगे भाई। बेल्ला घुमा यहां पे, बेल्ला
फिर से चार मिल गई यार। मतलब आज एविल लुइस लिटिल हम लोग का बदला ले रहा है भाई, वो दो बार विकेट लिया था उसका बदला ले रहा है आज, मानना पड़ेगा। अब हम लोग को एक ही कम करना पड़ेगा, साइड चेंज कर और बॉलिंग करो राउंड दो विकेट पर। कोई फायदा हुआ क्या रे? लियाम लिविंगस्टोन पे हमें उसके साथ साथ दे रहे हैं यहां पे, और एक छह रन चढ़ दी भाई इस ओवर के अंदर, 24 रन आ गए। थोड़ा मूड खराब कर दिया, टोटल 24 रन भाई, मुश्किल हो रहा है मैच खेलना। हम लोग भाई राउंड दो विकेट ही बॉलिंग करेंगे इस बार, बॉल एकदम सीधा बॉल जाएगा, पर सीधा बॉल को खेलना इतनी मुश्किल होगा। पर हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, बॉलिंग के अंदर वेरिएशन ला के बॉल के स्पीड के अंदर वेरिएशन लाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। सही बोला नहीं? पानी पानी दो प्लेयर को, पानी तो उसको प्यास लगी है भाई, हमारे प्लेयर को प्यास लगती है, और हमारे ओपोनेंट टीम को सिर्फ रन का भूखा, यहाँ पे रन मारते जा रहे हैं, यहाँ पे तब से चौके बटोरते जा रहे हैं। पर ये बॉल बहुत सही था, पर प्लीज आज फील्डिंग मिस मत करो, आज अगर फील्डिंग मिस किया लिटिल बोर्ड में उठ के चला जाऊंगा। एक बात तो मानना पड़ेगा, जब भी हम लोग भाई लियाम लिविंगस्टोन को भाई ऑफसाइड के अंदर बॉलिंग कर रही है, हर बार भाई लेग साइड के अंदर क्यों खेल रहे हैं? लगता है इसके पीछे कुछ तो कारण है भाई, लगता है इसका लेग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, समझिए भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। लुइचा वर्सेस अबाटा राउंड द विकेट पे, सो मैं क्या बोलूं और भाई मेरा लव्स बच्चा नहीं है भाई, आज एविल लुइस क्या धो रहा है, आज क्या राजस्थान काम लेगा। लास्ट बॉल इस ओवर के अंदर भाई, रन रेट जा रहा है भाई 12.35, ओ माय गॉड, रिवर्स स्विंग के साथ मार दिया पे, आज रुकना बहुत मुश्किल भाई, 39 रन हो गए इस ओवर के अंदर, आज तो रावाड़ा का पूरा कबाड़ा कर दिया भाई, इतना कौन मारता है मेरी बच्ची। इस बार बॉल भाई पूरा खींच दिया भाई, देखते हैं कैसे बाउंड्री बटोरते हैं भाई, इस बार आउट दे दे भाई, इस बार आउट दे दे मेरे बच्चे के दिल में, ओ नहीं। और इस बार भी आउट नहीं है, पर इस बार मैं रिव्यू नहीं लूंगा सॉरी यार, क्योंकि हमारे पास दो रिव्यू है, अगर बाद में काम आए तो भाई इस बार मैं रिव्यू लूंगा, क्योंकि भाई ऐसे यहाँ पे इम्पैक्ट बाहर जा रही है, रिव्यू नहीं लूंगा सॉरी, इस बार लूंगा। मगर क्यों 44 रन 0 विकेट के नुकसान पे, पावर प्ले के अंदर ये लोग भाई लिटरली रन रेट मेंटेन करते हुए अच्छा खासा रन बटोर रहे, मानना पड़ेगा। पर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा बॉलिंग तो हम लोग नहीं कर पा रहे, पर इतना अच्छा बल्लेबाजी ये लोग जरूर कर रहे हैं यहाँ पे, पर इस बार बॉल हम लोग पूरा यहाँ पे पैर के अंदर डालने की कोशिश की, पर ये बॉल तो हम लोग सक्सेसफुल चली गई, पर नेक्स्ट बॉल भी हम लोग अच्छा करना पड़ेगा। ये गेंद करेगा जबरदस्त स्विंगिंग बॉल पर कैच हो सकता है भाई, फिर से गैप में खेल दिया पे, वो पे फील्डर था ना तब थोड़ा बाहर था भाई, इसलिए भाई गैप खुल लिया पे, पर अच्छा खासा रन बटोर लिया भाई, आज मानना पड़ेगा हम लोग के नसीब में क्या लिखा है पता नहीं। ज़ाकिउल हसन विद बैक विद मास्टर ब्लास्टर, देखते हैं भाई इंजरी होने के बाद यहाँ पे कितना अच्छा खासा बॉलिंग कर सकता है, बैक किया बहुत दिन के बाद भाई, लगभग 3-4 मैच के बाद बैक किया यहाँ पे, देखो सामने एविल लुइस है, एविल आज भाई राजस्थान हर बॉलर को चिन चिन के मार रहे भाई, चिन चिन के भाई, और इसी के साथ हो चुके 25 बॉल में 53 का पार्टनरशिप। आज मैं कमेंट सेशन देखूंगा कौन राजस्थान को सपोर्ट कर रहा है इतना, तुम ना चला पीच के हर जगह बॉल डाल लिया भाई, और कहाँ बॉल डालना बाकी है मुझे बता अच्छा, सकते हो भाई आप, इन लोगों को सिर्फ हवाई यात्रा में बॉल मारना बाकी है भाई, ओ सॉरी सॉरी मैं क्या बोल दिया सॉरी, कोई बात मारना। बीबी साकिबुल हसन ने बहुत सही बॉलिंग किया, मानना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब फ्लाइट बॉल डालते 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 हम लोगों ने इस ओवर के अंदर सिर्फ 8 रन दिया है यहाँ पे, पर फिर भी रन रेट बहुत सही है। अभी बॉलिंग करने आ चुकी है टॉप विकेट टेकर, पर्पल कल होल्डर, और बच्ची के दिल में अबे साले सॉरी धनेश्वर के दिल में हमारे युजवेंद्र चहल, यहाँ पे 11 का रन रेट जा रहा है, मतलब 11 के ऊपर रन रेट जा रहा है, देखते आज कितना महत्वपूर्ण बॉलिंग करता है इस ओवर के अंदर, इस मैच के अंदर, क्योंकि फाइनल का मुकाबला बहुत बड़ा हो चुकी है यहाँ पे, रन रेट तो बहुत हाई, इट्स टू हाई, इनके लग रहा है हम लोग भाई थोड़ा तो प्रेशर के अंदर ला दिया भाई, हमारे राजस्थान के यहाँ पे फाइनल का प्रेशर मानना पड़ेगा, पर यहाँ पे पकड़ ले भाई नहीं तो चौका चला जाएगा, ताला इस पकड़ा यहाँ पे उंगलियों के बीच से नूडल्स जाता है, बॉल किससे जाता है, हमारे प्लेयर के अंधा है या मैं अंधा हूँ भाई, पूरा डिमोटिवेट कर दे लिटरली बोल रहे हैं, और चौड़ा मार दिया पे भाई, आज लिविंगस्टोन और एविल लुइस भाई क्या मिलके फेल रहे भाई, पर पता नहीं भाई लिटरली मुझे अभी से डर लग रहा है, लिटरली अभी पता चल रहा है हम लोग एक बड़ा सड़ा मैच खेल रहे हैं पे, फाइनल मैच, फाइनली पावर प्ले खत्म, अब हम लोगों ने फील्डिंग खोल दी, कुलदीप यादव को लाया है बॉल राइट आउट है, गारंटी ये तो आउट मिलना ही चाहिए पे, बच्चे के दिन अपने विकेट हिट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे रिव्यू लेंगे हमारे आरआर के बल्लेबाज लिविंगस्टोन एंड कौन है लिविंग लुइचा, सर लिविंग लुइचा बोल रहा हूँ, क्या था एविल लुइस, लिविंग लुइचा क्या कुछ भी देखते हैं भाई, अरे रिव्यू भी ले ली वाह, देखते हैं भाई आउट हुई कि नहीं बच्चे के दिल में, अरे नो बॉल नहीं है भाई, नो बॉल से चेक करो भाई, और कुछ पर चेक करना, आउट है गारंटी आउट है भाई, सीधा विकेट पे टच कर रहा भाई आउट है, पहला विकेट ऑरियल्स आउट है, पिच इन लाइन टाटा बाय बाय, इंपैक्ट पे इन लाइन भाई टाटा बाय बाय, मैं पहले ही बोल देता आउट है भाई, अरे मिडिल विकेट पे स्टंप पे छू रहा है भाई, और क्या चाहिए, फटाफट से घर जाओ, पर किसको आउट किया मैंने भाई, अच्छा एविल लुइस को आउट किया मैंने, पर कितने पे आउट किया देना पड़ेगा,
आउट है फाइनली एक ही बल्लेबाज को तो हम लोगों ने आउट किया लिटरली बहुत देर के बाद एक पार्टनर से हम लोग यहाँ पे तोड़ पाए यहाँ पे एविल लुइस आउट यहाँ पे 19 बॉल में 35 करके वापस गया बहुत अच्छा हुआ तेरा तो गेम बचाना पड़े एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज गया और एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज आ चुकी है श्रेयस अय्यर कोलकाता छोड़ के जा चुके राजस्थान के अंदर देखते हैं आज श्रेयस अय्यर के महत्वपूर्ण बल्लेबाज हो पाएगी कि नहीं पर ये तो पता चल रहा है रनटेड गिरेगा बहुत जल्दी हमने श्रेयस अय्यर 3 बॉल के अंदर 3 रन जड़ दिया अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहा है पहले बॉल से सेट होने कह रहा था यहाँ पे पर हमने भी फील्डिंग बहुत ही तगड़ा सेट किया एकदम साकिब अल हसन के जैसा टसन से बॉलिंग करने गया भाई जहाँ पे शॉट निकला ओए अरे वहाँ पे की स्विमिंग पूल दिख रहा है क्या पे जंप कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा पीछे बॉल को सेव कर लेते हैं यहाँ पे बॉल मिस भी कर दी यहाँ पे एक रन भी ले लिया इन लोगों ने स्पिनर से चलेंगे हम लोग यॉर्कर बॉल मतलब फ्लाइट बॉल बॉल घूमने का कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे लियाम लिविंगस्टन यहाँ पे यॉर्कर का बहुत ही अच्छा खेलता है प्रेशर किसको बोलते हैं देखा गाइस इसको बोलते हैं प्रेशर बोला जाए तो चहलर भाई बहुत रन दे दिया और एक ओवर के अंदर 10 रन दे रहे यहाँ पे ओहो फील्डर नो मौजूद फील्डर मौजूद है यहाँ पे अच्छा खासा प्लेसमेंट ढूंढ लिया यहाँ पे भाई पर मुझे लगता है यहाँ पे फील्डिंग सेट करना पड़ेगा आई थिंक गैप ढूंढना उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है जा पूछ क्या अरे मांजेकर सर पर स्पिनर से हम लोग शॉर्ट पिच गेंद कैसे करेंगे ओ नाइस बॉलिंग बीव्स भाई डॉट गेंद के साथ 100 रन कंप्लीट हो चुके इसी के साथ भाई लियाम लिविंगस्टन 32 बॉल में 40 रन तब से बल्लेबाजी करते जा रहे हैं यहां पे भाई थक नहीं गए यहां पे बल्लेबाजी करते करते उसके साथ आके जुड़ चुकी है श्रेयस अय्यर कहां से रनटेड गिरा दिया भाई 13 का चल रहा था अभी चल रहा पे 8.70 पर ये क्या शॉट था भाई ठीक तरह से खेल नहीं पाए बैट के साइड पे लगा यहां पे आका थोड़ी पीछे जाता बॉल गारंटी विकेट पे हिट करता पर हिट नहीं कर रहा यहां पे क्या करूं मैं मर जाऊं भाई एक टाइम लग रहा था भाई लिविंगस्टन एविल लुइस मिलके भाई 200 के ऊपर टारगेट तो जरूर देगा पर अभी लग रहा है भाई हम लोग लिटरली फॉर्म में आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए पर ये बॉल थोड़ा यहाँ पे अंदर की तरफ बॉल जा सकती है लिविंगस्टन कितना अच्छा बॉलिंग करते भाई विकेट को गार्ड करके खेलाते यहाँ पे इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते लास्ट बॉल इस ओवर के 107 रन हो चुकी है शॉट जबरदस्त शॉट ऑफ द सेंचुरी भाई क्या शॉट खेला भाई मानना पड़ेगा ये चौके खा ले मैं मानता हूँ पर शॉट इतना जबरदस्त था बात तो सही है ओपोनेंट ने तो क्या बात है भाई शॉट अच्छा खेला है तारीफ तो बनता है बच्चे के दिन में क्रिकेट लवर इस शॉट का रिप्ले होगा क्या टाइमिंग था क्या प्लेसमेंट था भाई लिटरली गजब का शॉट था अगर इस तरह खेल पाए तो भाई लिटरली जवाब नहीं बारिश का मौसम मौसम का बारिश यहाँ पे श्रेयस अय्यर 22 बॉल के 24 सबसे अच्छा बल्लेबाजी कर रहा है लिविंगस्टन भाई 38 बॉल में 48 रन मैं इसको रोके कैसे मुझे बताओ मैं नहीं बताऊंगा इस बॉल के अंदर भाई रूम हम लोग नहीं देंगे भाई रूम क्या बना यहाँ पे लिविंगस्टन ने यहाँ पे बंदे का टाइमिंग बंदे का प्लेसमेंट जो देखे उसको हो जाए यहाँ पे हैरेसमेंट गजब का शॉट खेला भाई एकदम टाइम टू टाइम परफेक्ट टाइमिंग और इसी के साथ हमारे लियाम लिविंगस्टन ने 39 बॉल में 51 कर ली हाफ सेंचुरी वाह फाइनल के अंदर ये क्या कर रहे हो यहाँ पे इतना झुक को मत भाई कोई पीछे से आके मार देगा तब क्या करोगे पीछे से हवा निकल जाएगा ऐसे झुक के अगर प्रणाम करोगे तो सब ऑडियंस के यहाँ पे कोई बात नहीं 118 हो चुकी है एक विकेट के नुकसान पे और आज सबसे अच्छा पारी खेला सिर्फ लियाम लिविंगस्टन ने बच्चे के दिन एकदम हिट करी यहाँ पे और क्या चाहिए और क्या चाहिए मुझे बताओ 41 वापस यहाँ पे अरे मामा रिप्ले तो देखो भाई रिप्ले के अंदर कैसे विकेट गिरा इतना फास्ट बॉल कभी देखा है चहल की ये लास्ट ओवर है भाई नीतीश ना ये न्यू बल्लेबाजी कर गई फाइनल के अंदर भाई क्या ताबड़तोड़ मैच हो रहा है भाई लिटरली लास्ट टाइम हम लोग को विकेट मिला लास्ट टाइम नहीं मतलब हाँ बारिश की वजह से थोड़ा ओवर कम हो सकता है यहाँ पे आते आते खाता नहीं खोल पाए वापस गए नीतीश राणा कहाँ पे चल रहा था 13 का 100 अभी हो चुके 8 का 100 ऑक्टा से पांगा बिल्कुल नहीं लेके आया पे भाई ड्रीम कर बोल देखा कहाँ पे गिरा कहाँ पे घुमा पूरा देखा लो भाई बारिश हो चुकी है आप थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिलेगा आप देखते कितने ओवर का बारिश होगा लिटरली हमारा जो आरसीबी टूर्नामेंट पूरा बारिश के अंदर चल गया भाई लिटरली हम लोग भाई क्रिकेट नहीं खेल रहे फुटबॉल मैच खेल रहे हैं पे देखने भाई आई थिंक मुझे लगता है 17 ओवर का मैच होगा क्योंकि आधा ओवर तो हो ही चुकी है यहाँ पे मैंने जो बोला यहाँ पे 17 ओवर का मैच होगा चलो आई थिंक और एक ओवर बाकी है हमारा देखते एक ओवर के तो कितना आता है अभी दूसरे छोर से हमारा लास्ट ओवर करेंगे यहाँ पे रबाटा इसका जो लास्ट ओवर है श्रेयस अय्यर 31 पे भाई कितना पास से बॉल चले गया अगर ऐसे ही करना होता तो विकेट मिट करता बारिश की वजह से पिच गीला हो चुका है जॉस बॉलर ठीक से खेल पे नहीं पा रहे यहाँ पे बॉल उछलता नहीं है तो बॉल मारेगा कैसे यहाँ पे लिटरली ये था हमारा स्ट्रेटेजी यहाँ पे आज मैच के अंदर बारिश होने का यहाँ पे 129 रन हो चुके 3 विकेट के नुकसान पे आज सिर्फ 3 विकेट गिरा अभी बहुत ही बड़ा बड़ा विकेट गिरा पर लास्ट ओवर के अंदर ये लोग मार क्यों नहीं पाते या जबरदस्ती नहीं मार पाते मुझे पता नहीं यार पर टारगेट कितना मिलेगा ये लास्ट बॉल के अंदर पता चलेगा लास्ट बॉल कमिंग अप भाई लास्ट बॉल के अंदर हिट करने की कोशिश की थी पर यहाँ पे
रूम बिल्कुल हम लोग ने दिए यहाँ पे सिंगल लेंगे, मतलब 131 रन 3 विकेट के नुकसान पे, मतलब 132 का टारगेट भी लगा। हाँ मुझे पता है भाई ये बारिश की वजह से और भी थोड़ा रन ऐड होगा, यहाँ पे देखते कितना रन ऐड करता है। लिटरली अगर 10-15 रन ऐड कर देता है मुश्किल पड़ जाएंगे हम लोग। 3 विकेट के नुकसान पे 131 रन हमारे राजस्थान, और बैंगलोर को जीतने के लिए चाहिए 140 रन 17 ओवर के अंदर। थोड़ा मुश्किल है पर फाइनल है, थोड़ा आराम से खेलना पड़ेगा। तो चलो भाई सीधा हम लोग जाते हैं अभी सेकेंड इनिंग्स के अंदर। चलो 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 गाइस सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो चुकी है भाई, और मैं वेट नहीं कर सकता। अनुज रावत एंड डी पंडिकल आज बल्लेबाजी करने आएंगे, देखते हैं भाई हमारे युवा खिलाड़ी आज कितना अच्छा खेल सकता है, कितना अपने टीम के लिए आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पे चलो 102 बॉल में चाहिए 140 रन मैच को जीतने के लिए बच्ची के दिल में। यहाँ पे सामने डी पंडिकल जोफ्रा आर्चर का बॉलिंग, पहली गेंद फेस करेंगे, पहली गेंद से यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दी भाई, ऐसे मत करिए भाई। आई थिंक नॉट आउट यहाँ पे, क्या आप लेवल पे रिव्यू लेंगे? अगर रिव्यू लिया तो आई थिंक इंपैक्ट हमारे साथ नहीं है, मुझे जितना लग रहा है यहाँ पे आई थिंक इंपैक्ट हमारे साथ है क्या? जल्दी करो, वो बच गए, बच गए, बच गए, बच गए भाई, इन्होंने रिव्यू नहीं लिया, बच गए। इस बार हम लोग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं फिर से यॉर्कर बॉल पर, इस बार हम लोगों ने खेली, आई थिंक फील्डर मौजूद नहीं होगा। पहली बॉल पे चौका है तो क्या हुआ भाई, सेकंड बॉल में चौका आ चुकी है भाई। शुरुआत बहुत ही अच्छा तो अंतिम भी अच्छा होगा, राम राम जय हो। तो भाई हम लोग सिंगल रन लेके एक चौका मार के कॉन्फिडेंस तो पूरा आप हो चुके हैं भाई, और एक चरण अपसाइड के अंदर भाई, जहाँ पे टलो के बॉल हो भी से हम लोग गैप ढूंढ लेंगे। यहाँ पे हम लोग भी कोशिश करेंगे पावर प्ले के अंदर अच्छा खास रन बटोरने का, देखते हो पाते या नहीं। फील्डिंग खोलने का मकसद पे ये लोग ढूंढ रहे पर फील्डिंग खोल नहीं पा रहे यहाँ पे, पर ये शॉट भी बहुत ही सही है, पर फील्डर मौजूद है यहाँ पे, इस बार गैप फाइंड नहीं कर पाए, पर इन लोगों का फील्डर भी बहुत ही सही है मानना पड़ेगा। अब एक युवा खिलाड़ी बॉलिंग करने आ चुकी है यहाँ पे, चिकना सकारिया, अबे साले सॉरी मतलब चेतन सकारिया भाई, बहुत ही सही बॉलिंग करते इस पूरा टूर्नामेंट के अंदर भाई, इसका इसका जो विकेट है भाई टॉप 10 के अंदर है मानना पड़ेगा यहाँ पे, पर हमारा तो टॉप 10 के अंदर क्या भाई, पहले नंबर पे हमारा चहल भाई। ओहो दो रन के साथ फिर से खाता खोला इस ओवर के अंदर भाई, भाई पंडिकल आज जय जयकार खेल रहे भाई। ये ओवर तो विकेट इतना सही बॉलिंग कर रहा भाई, हम लोग भाई गैप फाइंड कर रहे भाई, गैप हम लोग फाइंड कर रहे फिर भी ये लोग पकड़ ले रहे यहाँ पे, मतलब हम लोग को टाइमिंग के अंदर और भी थोड़ा और थोड़ा लेट खेलना चाहिए था, यहाँ पे आसान से चौका मिल सकता है, पर कोई बात नहीं दोनों बल्लेबाज सेट होना चाहते हैं। मानना पड़ेगा भाई युवा खिलाड़ी बहुत सही खेल रहे यहाँ पे, ये ओवर बहुत ही जबरदस्त गया, ऐसे व्हाइट बॉल डालते रहे और भाई कुछ कुछ देते रहे यहाँ पे। शॉट भाई मेरे उसे हाथ उठ गया था, इतनी ये शॉट नहीं खेल पाता, वाह क्या गैप में शॉट खेला भाई, लिटरली यहाँ पे चौके मिल गई। और कैमरामैन इसी तरह से शॉट को कैप्चर करो और मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जोफ्रा आर्चर का बॉलिंग स्टाइल पे हमेशा एक ही रहा यहाँ पे, फिर से सेम टू सेम बॉल, ओ इस बॉल में चार मिल गई यहाँ पे, अब बात है भाई तालियां बनते हैं भाई, सिर्फ नो गालियां, सिर्फ तालियां आज भाई, सिर्फ तालियां। वो बाउंसर बॉल और राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं भाई, विकेट से ऊपर से चले गए भाई, बच गए हम लोग भाई, ये तो लिटरली ये विकेट मिल जाती पर बॉल सेव कर ली, क्या भाग भाग के हम लोग चार रन ले सकते यहाँ पे, नहीं भाई रिस्क नहीं लेने का, रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का हम लोग भाई 10 विकेट से मैच जीतने का, तो ज्यादा नहीं हो रहा है। 4 ओवर के अंदर चाहिए 8 रन तभी हम लोग मैच जीत सकते हैं। ओ हो बॉल घूमेगा पर ये बॉल घुमा ही नहीं है यहाँ पे भाई, लोग मुझे कुछ देर के लगाते हैं यहाँ पे 31 बॉल पे 111 रन चाहिए, पर अभी अभी देखिए यहाँ पे 81 बॉल बाकी है और ये 4 भी लगे, अरे फील्डर हमेशा मौजूद है। अब लगता है हमारे ऊपर प्रेशर मंडरा रहा है यहाँ पे राजस्थान के प्लेयर्स, जैसे हम लोग इस बॉल की बात कर रहे हैं, ये बॉल जाएगा अंदर की तरफ और खेला बहुत ही सही प्लेसमेंट और ग्राउंडेड चौके रन यहाँ पे, बहुत दिक्कत से चौके मिला भाई क्योंकि पिछला ओवर के अंदर एक भी चारा नहीं आए थे, आराम से चौके पर चोटी और क्या चाहिए, इतना जल्दी स्पिनर को भी लगा दी भाई, क्या बात है भाई 77 बॉल, ओह अरे बॉल कहाँ पे लगा भाई, बैट पे लगा, पैड पे लगा, मुझे दिखाई नहीं दी यहाँ पे, एक्चुअली लगा कहाँ पे, आई थिंक पैड पे लगाए थे, यस पैड पे लगा यहाँ पे लेग भाई रन, फिर भी हम लोगों ने सिंगल ले लिया, क्या बात है सर। के शर्मा जब लखनऊ में था बहुत ही सही बॉलिंग करता था, पर ओ भाई साहब भाई क्या प्लेसमेंट था भाई, आज पर्टिकुलर को उन्हें बहुत ही मुश्किल भाई, लिटरली बहुत ही जबरदस्त चौके मारा यहाँ पे, इस चौके का फैन हो गया भाई, अगर रिप्ले देख सकते हो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो इस ओवर के अंदर हम लोगों ने 2 चौके और सिंगल बटोर ली, मतलब 10 के ऊपर रन तो आ चुकी है यहाँ पे, देखो भाई आराम से खेलो, मतलब 2 चौके मारने के बाद और मारने की जरूरत नहीं है हम लोग को, रिस्क काई को लेने का भाई, रिस्क काई को लेने का भाई, ऐसे हम लोग मैच जीतने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। बचपन में मार खाते खाते अंधे हो गया था, इसके लिए हमें मार खान दे,
अरे हम लोगों ने बॉल को समझ नहीं पाया, अभी कहाँ बॉल रन कर रही है भाई। लिटरली हम लोग जब भी एक बार आउट होते हैं स्पिन की बॉल में आउट होते हैं। ये चीज तो आप लोगों को एग्री करना पड़ेगा, जो प्लेयर भाई पूरा सीजन के अंदर अच्छा खेलता है फाइनल के अंदर जाके अच्छा नहीं खेल पाते। जैसे अनिल रावत भाई पूरा सीजन के अंदर इतना अच्छा खेला, लगता है 3-4 पर हाफ सेंचुरी मार दी पर फाइनल के अंदर सिर्फ 9 रन। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है विकेट के अंदर जाना वाना। अभी विराट कोहली आई है बल्लेबाजी करने के लिए, वह 140 का टारगेट है पर देखिए मुझे डर लग रहा है भाई क्योंकि अभी बहुत रन बाकी है। पर आते आते सिंगल के साथ खाता खोल दिया पर पंडिकल जबरदस्त खेल रहे फाइनल के अंदर। पंडिकल ने 22 बॉल के अंदर 64 हम लोग को लास्ट ओवर तक विकेट बचा के रखना है। बात तो सही है। आज हमारे कोहली साहब को कप्तानी पारी खेलना होगा क्योंकि ये लास्ट मैच है। अगर इसके अंदर अच्छा खेले तो भाई वर्ल्ड कप का चांस मिल जाएगा। एक्चुअली सबको चांस मिल चुकी है, हाँ हमारे युवा खिलाड़ी किस किस को ज्वाइन करेंगे ये तो बाद में पता चलेगा। बहुत देर हो चुकी है हम लोग को बाउंड्री पर का अपेक्षा नहीं हुई यहाँ पे, 46 में जा चुकी है हमारे पट्टिकल। यहाँ पे 2 रन ले सकते हैं, 2 रन ले ली चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे 48 में जा चुकी है और 2 रन पीछे 50 के लिए इस फाइनल के अंदर, और 2 रन पीछे हमारा पट्टिकल 50 के लिए। फिर से आउट हो जाए भाई, पिछला मैच के अंदर 40 पे आउट हो गए थे, मतलब 48 पे आउट हो गए थे। अंपायर ने ना बोल दिया क्या, ये लोग रिव्यू लेंगे अब देखना पड़ेगा यहाँ पे। प्लीज आप ऐसा करते हो ये लोग रिव्यू ना ले, बच गया यार लिटरली बच गया, ये लोगों ने रिव्यू नहीं लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेंकन करे। अरे मारने के चक्कर में हम लोग भाई फ्लॉप क्यों जा रहे हैं, फिर से फ्लॉप कर दिया गाइस। देख रहे हो विनोद भाई मारने के चक्कर में हम लोग डॉट बॉल खा रहे हैं। फिर से के शर्मा को बॉलिंग दिया यहाँ पे, के शर्मा का बॉलिंग भाई 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 पैड पे लग गया पे पर रन आउट नहीं हो सकता। पर फिर भी हम लोग देखना चाहेंगे आउट है कि नहीं यहाँ पे, पैड पे लगी इतना जल्दी कैसे भाग सकता है। और ये अगर हो गया तो 50 कर लिया यहाँ पे पट्टिकल ने, आउट है क्या, और नॉट आउट, नॉट आउट घुस गया भाई घुस गया हम लोग, नॉट आउट है बच गया हम लोग। इसी के साथ 50 भी हो गया हमारे पट्टिकल साहब का। बल्लेबाज जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे होंगे, अगर नहीं सोचा तो यहाँ पे भाई सेलिब्रेशन क्यों नहीं किया मुझे बताओ। आई थिंक आप सेलिब्रेशन करेंगे यहाँ पे भाई, आज लगता है हम लोग को रन आउट का करके ही छोड़ेंगे यहाँ पे, बहुत मुश्किल हो रहा है भाई रन आउट मना रन लेना यहाँ पे। चलो 50 थोड़ा लेट सेलिब्रेशन किया पर बाद में किया, अब 35 बॉल पे 51 रन कर ली, 6 चौके मारा। फाइनली यहाँ पे आ चुकी फास्ट बॉलर बॉलिंग करने के लिए, अभी 48 बॉल में 72 रन मैच जीतने के लिए हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं भाई। हम लोग को रन रेट मेंटेन करना ही होगा नहीं तो हम लोग पीछे जा रहे हैं यहाँ पे। पर खेला बाउंसर बॉल का, देखो भाई ये होती है ना भाई, ये होते हैं फास्ट बॉलर के यहाँ पे फायदा। यहाँ पे जब बॉल को हिट करता है तो बॉल को बॉल जाता है सीधा चौके की ओर भाई। रन बटोरना बहुत ही मुश्किल और टफ हो चुकी है मेरे भाई और बहनों भाई, नजाकत से भरोसा और भाई गया भाई फील्डर मौजूद तो रहे अभी यहाँ पे कैच विकेट मिल गया था। आराम से खेलियो भाई इतना जल्दी मत करियो। थोड़ा यहाँ पे मुझे शॉर्ट पिच गेंद दिख रहा है पर खेलना बहुत ही मुश्किल नहीं है क्योंकि शॉर्ट पिच गेंद तो बहुत ही आराम से खेले जाते हैं हमारे विराट द कोहली यहाँ पे। वाह विराट कोहली थोड़ा तो यहाँ पे पहले बॉल को चौके मारी भाई, हम लोग रन और बॉल से बहुत ही पीछे जा रहे हैं। हम लोग को उठा के खेलना पड़ेगा पर नीचे फील्डर नहीं होगा मौजूद, बच गए यहाँ पे हम लोग को भाई कैसे करके उठा के खेलना है क्योंकि अभी जिस तरह से फील्डिंग सेट किया है मतलब गैप ढूंढना बहुत मुश्किल। बहुत ही सही बॉलिंग कर रहे हैं, मारना पड़ेगा 83 रन कटना हम लोगों के लिए मुश्किल हो चुकी था लिटरली। और ये शॉट था बच्ची प्रयास और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में भाई, मुझे लगा था भाई हम लोग कितना अच्छा परफेक्ट टाइमिंग किया, बॉल जा रहे सीधा बाउंड्री के उस पर, एटलीस्ट 4 रन मिलना चाहिए पे, ये तो सीधा चली गई मतलब प्लेयर के हाथ में चली गई। 41 बॉल पे 50 रन करके वापस गया, बहुत अच्छा खेला भाई। थोड़ा बहुत डर लग रहा है हम लोग मैच जीत पाएंगे ना, वो भाई मिस करना स्टार्ट हो गया होगा नहीं मैच के अंदर प्रेशर बन रहा है। ये थोड़ा बाउंसर बॉल आ रहा है यहाँ पे सामने विराट कोहली, बाउंसर बॉल को हिट करके सीस, ऐसे कभी हो नहीं सकते मुझे बताओ यहाँ पे। राणा लास्ट बॉल फेस करेंगे और पहली बॉल खेलेंगे यहाँ पे, ओ हो ये भी यहाँ पे 6 मिल सकता है भाई, नीचे फील्डर था अभी बाउंड्री कैच हो गया था क्योंकि बहुत बार ली इस तरह भाई बच गया लिटरली, बहुत दूर का मारा था। फिर से स्पिनर ला दिया, ये स्पिनर ला के भाई संजू सैमसन चाल चल रहे लगते हैं, फिर से यहाँ पे लगते हैं ये ऊपर हम लोग को बहुत ही ध्यान से खेलना होगा। पर देखते हैं यहाँ पे लेग साइड के अंदर पूरा खाली है भाई, उठा कर खेलने की कोशिश करते हैं। ओ ओ ओ हम लोग को भाई बैट के अंदर कनेक्शन मिल गई और भाई 6 यहाँ पे, वाह
मारने के बाद भाई दो बॉल आसानी से डॉट खा लिया भाई, लिटरली ये मैच क्या कहलाता है अभी मुश्किल चल रहा है। मतलब जिस बॉल का हम लोग बाउंड्री खेल रहे हैं उसके बाद हम लोग हर बॉल के यहाँ पे डॉट ही खेलने जा रहे हैं। मैदान इतना बड़ा है भाई, भागते भागते लिटरली हम लोग पसंद छूट गए, डॉट पे डॉट खाते जा रहे हैं हम लोग। 25 बॉल में 35, ये बॉल पे डॉट खा रहे हम लोग, डॉट क्यों खा रहा है। चेतन सकारिया को बॉलिंग पे दिया, बाउंसर बॉल है, सुरेश राणे बहुत दिल को बहुत चार मिला यहाँ पे लिटरली। अभी 24 बॉल के अंदर चाहिए 35 चौका होने के बाद 23 बॉल में चाहिए 31 रन। वाओ एविली सब भी यहाँ पे चीयर अप करती हूँ यहाँ पे। अभी 21 बॉल में चाहिए 30 रन मैच को जीतने के लिए। देखो हम लोग कुछ ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग को सिर्फ विकेट बचा के खेलना है, क्योंकि इस टाइम पे अगर विकेट गिर गया तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे देख रहा हूँ शॉट खेला हम लोगों ने और नीचे भाई इस टाइम पे विकेट कैसे आ सकते हैं भाई। चेतन सरकार ये तुमने क्या कर दिया भाई, विराट कोहली अच्छा बल्लेबाजी कर रहा था यार, 27 बॉल में 28 के वापस आएंगे, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। अभी शकीब अल हसन आ चुके बल्लेबाजी करने, बड़ा सुरेश रैना यही तो चेता भाई फाइनल के अंदर भाई, यही तो चेता हम लोग भाई। लिटरली हम लोग ऐसे बाउंड्री बटर तो भाई, नहीं तो भाई सिंगल बटर तो हम लोग जीत के बहुत पास। कंट्रोल वरुण एरन को बोलिंग दिया, अभी देखते हैं वरुण एरन कैसे बोलिंग करेंगे भाई। इसका पहला ओवर भाई, इतना बड़ा मैच हो चुके से पहला ओवर डाल रहे, ओ और 26 बॉल तो भाई काम खत्म हो जाएगा भाई। लिटरली भाई साकिब अल हसन है, साकिब अल हसन एकदम टसन में रहते भाई, आते आते मैच को और भी आसान कर दी भाई। मैं जूम करके खेलू या ना करूं मुझे बताओ यार, लिटरली यहाँ पे इतना बाउंस आउट रहा है, इतना तेज बॉलिंग कर रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ बॉल डाल रहे हैं। सॉरी भाई बैट के नीचे लगा, चौका नहीं हो पाएगा। 20 ओवर के अंदर ही लगते हम लोग मैच ने खत्म कर दिया है। 15 बॉल में 16 और ये बॉल जाएगा फुल्लम फुल्ला। वाह गाइस और सिर्फ 10 रन बाकी है हम लोग को मैच जीतने के लिए और ट्रॉफी के बहुत पास। अरे हम लोग इतना डॉट क्यों खा रहे भाई, 11 बॉल पे 10, ये यहाँ से दर्द होता है भाई यहाँ से। इस टाइम पे विकेट निकल रहे भाई, चेतन सकारिया आज भाई खेल रहे भाई, लिटरली हमारे अच्छे अच्छे बल्लेबाज को भाई बैट बजा दिया आज भाई। लिटरली सुरेश रैना 7 बॉल में 17 भाई इसके अंदर जीतना चाहिए था भाई। अभी मैथ्यू बड़ा पाव बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब मैथ्यू वेट भाई अभी हिट करो भाई, हिट करो क्योंकि भाई 2 बॉल के अंदर मैच खत्म करना है, क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बॉल ऑलरेडी कम हो चुकी है। इसके बाद चले जाएगा तो लास्ट ओवर के अंदर ओवर चले जाएंगे, उसके अंदर हम लोग रिलीज खेल सकते हैं। इस ओवर के अंदर कुछ करना पड़ेगा, ये थोड़ा बाउंसर बॉल चेतन सकारिया का, इस बॉल के अंदर हिट करेंगे मैथ्यू वेट और इसके साथ आरसीपीएल 2022 का पहला मैच हम लोग जीत चुके हैं यहाँ पे रियल क्रिकेट टुकड़ू के अंदर भाई। विकेट से जीते यहाँ पे बेंगलोर रॉकेट और इसी के साथ चुके हमारा आरसीपीएल फाइनल खत्म, मतलब पूरा आरसीपीएल टूर्नामेंट खत्म। पर फिर से मुलाकात करेंगे हम लोग आरसीपीएल ऑक्शन एंड टूर्नामेंट के अंदर, काली साइड मुलाकात कर सकते हैं हम लोग बहुत जल्दी। पर आज का मैन ऑफ द मैच है पे डी पर्टिकल, लिटरली युवा खिलाड़ी इतना अच्छा खेला, सोचो भाई लिटरली 59 रन किया भाई, 41 बॉल किया था आई थिंक सो, हां जितना किया है भाई लिटरली बहुत सही किया। उसके साथ अनुज रावत था, अनुज ठीक से खेल नहीं पाए पर लिटरली बहुत सही किया यहां पे। पर देखते हैं वर्ल्ड कप के अंदर चांस मिलते हैं T20 वर्ल्ड कप या 2019 वर्ल्ड कप के अंदर, गाइस टाइम आ चुकी है हम लोग को ट्रॉफी लिफ्ट करने का या पे ट्रॉफी लिफ्ट करने जा रहे हैं हमारे विराट कोहली और संजय पांडे अपने साइड पे हैं। वाओ सही हकदार है ये टीम, पहली बार हम लोग बेंगलुरु के तो भाई, अरे इतना जोर से फटाका फटा, मुझे लगा घर के पास की फटाका फटा रहा है बोल रहे हैं पे गाइस। वाह क्या बात है, जबरदस्त भाई जबरदस्त, ये होने पर पहला ट्रॉफी हमारे घर पे। इसके बाद हम लोग किस टीम से खेलेंगे वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। स्वागत है आपको लेवल 11 के अंदर, इसके अंदर मिलेगा हम लोग को 2009 का आरसीपीएल भाई, उसको भी हम लोग जरूर खेलेंगे, एकदम ओल्ड वर्सेस गोल्ड देखते पे क्या होता है। और 10 टिकट मिल गया भाई, अच्छा लेवल 12 के अंदर सिर्फ 10 टिकट भाई, कुछ अनलॉक नहीं हुआ यार, कोई बात नहीं लेवल तो आप हुआ है। अरे बेंगलोर यहाँ पे विनर, रनर अप राजस्थान और सेकेंड रनर अप यहाँ पे मुंबई। वाओ आप लोगों को भाई आज का मैच आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट के अंदर जरूर बोलना, और अगर दिल में कुछ है तो भाई पटक दो कॉमेंट सेक्शन के अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा आरसीपीएल 2009 के अंदर होगा और आरसीपीएल 2022 का फिर से ऑक्शन के अंदर ही होगा, तो इस बार हम लोग को वोट करना है कि तो कौन सा टीम लेके हम लोग खेले, चेन्नई मुंबई लखनऊ या हैदराबाद, आप लोग कौन सा टीम को सपोर्ट कर रहे हैं मुझे बोलना गाइस। इस चारों में से कौन सा टीम आपका फेवरेट है मुझे कमेंट करना जरूर बोलना, आपके फेवरेट टीम के अनुसार मैं यहाँ पे चूज करूंगा। तो गाइस अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो नहीं नहीं आज का जरूर अच्छा लगा भाई, आज सब लोग को लाइक मांगता है भाई, आज जरूर सब लोग लाइक करना। और जो लोग चैनल के अंदर न्यू आ रहे हो गाइस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना है, बहुत मजा करते हैं हम लोग भाई तो बनता है ना। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑक्शन के अंदर, नेक्स्ट मैच के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, love you।